तो बेसिकली अब मैं ना एक तरह से खुद को चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं एक साइड से दूसरी साइड तक जाके दिखाऊंगा एयरपोर्ट की, और खुद को चैलेंज दिया है कि बस खुद को पकड़वा रहा है नहीं, बिना बात के यार। नमस्कार, कोलकाता एयरपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ से भी देख रहे हैं। और मेरा क्या था सीन, ऐसा है कि मुझे ना एयरपोर्ट आने का मन हुआ, तो मैंने ले लिया एक फ्री की टिकट, और बेसिकली मैं एयरपोर्ट पे नाइट आउट करने का मन था तो नाइट आउट कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली बात ऐसी है कि अपन जा रहे हैं कहीं पर और डिसाइड ये हुआ है कि फ़्लाइट है अपनी सुबह 5 बजे, लेकिन जब फ़्लाइट 5 बजे है अभी बज रहे हैं 11, मतलब अभी अपने पास कम से कम 6 घंटे का टाइम है फ़्लाइट बोर्ड करने तक का, लेकिन चेक इन वेकिन भी करेंगे। बट एट द सेम टाइम अब सीन ऐसा है कि इससे पहले कि मुझे कोई रोक ले यहाँ पे कि तो सिक्योरिटी ये वो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बेसिकली अपन ना कोलकाता एयरपोर्ट पर पहली बार से चांस मिला कि 6 घंटे, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, इस व्लॉग का मेन पार्ट ये है कि अपन 6 घंटे कोलकाता एयरपोर्ट पर रहने वाले हैं, और ये मेरे साथ कभी पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं हर बार ना आधा आधा घंटा करके लेट हो जाओ और हो जाता हूँ। आज 6 घंटे पहले मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर, तो पता नहीं क्या होने वाला है। क्या आपको मालूम है कि कोलकाता एयरपोर्ट एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया है? मतलब मैं आपको एक बार स्केल समझा सकता हूँ। मान लो ये सीलिंग है, ठीक है, यहाँ से लेकर उधर लास्ट तक जा रहे हैं, फिर उधर से एकदम वहाँ तक। व्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, बस डर ये है कि कोई रोक ना दे। एक्चुअली अगर कोई आने वाला मुझे बोलेगा तो फिर मैं एक्चुअली रुक भी जाऊँगा। कई दिनों से पब्लिक में ऐसे व्लॉगिंग की भी नहीं है, और जब कर भी रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ, कोलकाता एयरपोर्ट में। मतलब किस्मत अलग ही जगह फेंक रही है भाई। नमस्ते, आप एयरपोर्ट पहुँच गए? हाँ हाँ, पहुँच गया एयरपोर्ट। इज इट जस्ट मी या फिर ये सीलिंग वाकई बहुत खूबसूरत है? बज चुके हैं और 5 hours to go। अच्छा, I'm taking the Goair flight जो 4:55 AM को है, so can I have a printout of my ticket? ये on करके आप यहाँ पे नहीं हो सकते। मैं आपकी तरफ किया भी नहीं देखो। हाँ, it's okay, it's cool. You have to be a really interesting person to be in my camera. Thank you so much. तो बेसिकली हुआ यूँ कि टिकट मेरे पास है, ये मुझे पता है, पर मुझे लगा कि 2 hours पहले ही जा सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं। मैंने उनको पूछा, उन्होंने बताया कि आप पहले ही जा सकते हो, पर इंसान गलतियों से ही सीखता है। चलते हैं फिर। करना है क्या मुझको, ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना। गड़बड़ है ये सब क्या, ओ कोई तो बताओ मुझे। तो बेसिकली मैंने अपना सामान वहाँ पे रख दिया है, उस एरिया में जहाँ पे सब लोग टिकट लेते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम ट्रस्टिंग, भरोसा कर रहा हूँ सब पे कि कोई टिकट मतलब लेने के बाद यहाँ पे चोरी करने तो नहीं आएगा। तो मेरा सामान सुरक्षित है अभी तक, कैमरा मेरे हाथ में है, सबसे महंगी चीज़ जो मेरी प्राइस पोजिशन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ये बहुत ज़्यादा ही मतलब वैसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ से अभी कोई भी मेरे को ना एकदम कुछ भी अलर्ज करके जेल में डाल सकता है कि कुछ ना कुछ इलीगल कर रहा हूँ। कुछ घंटों बाद मेरे बगल में यहाँ पे ना लोग बोर्डिंग पास वगैरह ले रहे होंगे। ऑलरेडी 1 बज चुके हैं और ये ऐसा टाइम है जब माहौल चिल है, मतलब हाँ लोग देख रहे हैं मुझे, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई चांस नहीं है, तो सिक्योरिटी को कोई टेंशन नहीं है, ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे। नॉर्मल सिंपल सीधा साधा स्टोरी टेलर हूँ, बस एक बार फोकस हो जाए और ये मेरा थंबनेल आ जाएगा। अब मैं ना एक तरह से खुद को चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं एक साइड से दूसरी साइड तक जाके दिखाऊंगा एयरपोर्ट की, और खुद को चैलेंज दिया है कि बस खुद को पकड़वा रहा है नहीं, बिना बात के यार, कि हाँ ये इतना बड़ा कैमरा लेके कर क्या रहे हो, व्लॉगिंग क्या कर रहे हो, जो भी है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पब्लिक व्लॉगिंग से हमेशा ही वो रहा है। मैं जितना भी बनता हूँ कि ओ ये हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, कहीं ना कहीं मन में वो रहता है कि लोग क्या कहेंगे और ये सब। पर हाँ, अभी लाइक लिटरली जनता ना, इधर साइड से भी आपको दिखाऊंगा मैं, लिटरली जनता उधर देख रही है कि हाँ ठीक है, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि रात के 1:30 बजे तो लोग हैं,
पर एट द सेम टाइम कहीं ना मन में वो ऐसा रहता है कि कोई रोक देगा, कोई ये कर देगा। पहले मैं थोड़ा खाली साइड में था, अब मैं थोड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहा हूँ, तो हो सकता है कोई ना कोई कुछ कह दे। इट्स लाइक मैं अपने कैमरे के लिए डर रहा हूँ, लेकिन अपने कैमरे से ही हिम्मत भी आ रही है। और ये क्या बर्फ़ जा रही है क्या? एनीवे ओ मुझे ये पता नहीं था कि चेक इन में जाते ही यहाँ पर शॉप वगैरह भी है। और या इससे याद आया कि नेक पिलो जो अपनी है ना, वो भूल गया मैं। आई एम सॉरी अगर मैं फंबल कर रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट कहीं ना कहीं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक। इट इज़ लाइक थोड़ा सा ना दम लगता है यार, ऐसा इतना ईजी नहीं है व्लॉगिंग। और ओ फाइनली मुझे देखिए कुछ लोग स्माइल किए खुशी से, दैट इज़ अ गुड थिंग। कोई मैं उतना कॉन्शियस नहीं होता, एज लॉन्ग एज एवरी वन इज़ हैप्पी। हाँ बस किसी को प्रॉब्लम ना हो। और इसीलिए मैं वॉक करके करके भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस टाइम सो भी रहे हैं। और पता है कौन भी सो रहा है? जो मेरी जो फ्लाइट वाले जो है ना, वो भी सो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चेक इन, ओ वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे जो चेक इन वाले हैं ना, वो लोग भी सो रहे हैं। मुझे पता भी नहीं अभी फोकस में है क्या कैमरा, फोकस में नहीं हुआ ना तो दिल थोड़ा सा दुखेगा जब मैं एक्चुअली देखूंगा कि ओ नो मैं एक्चुअली यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ यार, दर्द हो रहा है। वाओ दिस इज़ लाइक रियल चैलेंज। अपोलो फार्मेसी अपने ज़्यादा अगर कुछ टेंशन हो तो क्रोसिन खा लो, हर एक दवाई का वो। सर ये 4:55 की फ़्लाइट है, तो अभी से ही बैगेज दे सकते हैं या उसी टाइम देना है? फिर 2 घंटे पहले से चालू होगा ना? ठीक है थैंक यू सो मच, डोंट वरी आपको नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो फाइनली हम एक एंड तक आ गए थे, एंड दिस इज़ बट दिस वॉज डेयरिंग। अच्छा मैं लेफ्ट हैंड पे ले लेता हूँ और जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि क्या पता सामान छोड़ के आया हूँ। भरोसा उतना ही करो जितना तुम्हारा दिल कह रहा हो यार, और जितना टाइम मेरे पास है, बिकॉज 4:55 का अगर डिपार्चर है तो -2 भी किसी 2:55, यानी अभी से एटलीस्ट आराम से 1 घंटा है। और अब अजीब सा कॉन्फिडेंस है, अच्छा लग रहा है। आज के बाद शायद रेलवे स्टेशन पे व्लॉग करने की हिम्मत है। पता एक मस्त बात यह है कि लोग जो भी देख रहे हैं ना, कुछ लोग मुझे समझ में आ रहे हैं, कुछ लोग आपको कैमरा में समझ में आ रहे हो। सामान अपना पूरा सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि चार्जिंग पॉइंट है क्या अपनी बैटरी के लिए। भैया यहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट मिलेगा क्या कि जहाँ पे कुछ चार्ज हो सके? अच्छा ये वाला है ना, ठीक है थैंक यू सो मच, डोंट वरी आपको नहीं ले रहा। आपको ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ। अरे आप पहले लोग, पता है मैं तब से एयरपोर्ट के अंदर हूँ, हर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं लो, मुझे नहीं लो। हेलो मेरा नाम इजबान है, आपको क्या नाम है? हाँ जी अभय। और सर आपका क्या नाम है? बुल्टन। अच्छा कोई बात नहीं, खा लीजिए इंजॉय टोबैको, बट टोबैको कॉजेज कैंसर, ये आपको पता है ना। तो बेसिकली मैं अभी यहाँ से लेकर उस एंड तक जाके आया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से उस एंड तक भी जाके आया हूँ, देखता हूँ हुआ क्या वहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा गाना गाता हूँ, ये मुझे आज मालूम पड़ रहा है। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है यार, मेरा बस चले तो मैं रोज़ आऊँ, लेकिन हाँ लाइफ में काम भी होता है थोड़ा बहुत, तो काम कर लेना चाहिए। और यहाँ पर कैफ़े है, कैफ़े के साइड से गुजरेंगे बिकॉज अभी मुझे भूख लगी नहीं है और मुझे रात को खाना है नहीं फिलहाल। मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है कि ये जो व्लॉग होने वाला है ना, इसमें बहुत सारे एडिट्स कम होंगे, मतलब हो सकता है थोड़ा कुछ कुछ मसालेदार हो, बट बहुत सारी अपनी बातें ही हैं। सो देर इज़ अ कैफ़े ओवर हियर। ओ चाइल्ड केयर रूम बोल के भी लिखा हुआ है यहाँ पर, चाइल्ड केयर रूम, नाइस। ओ आई थिंक वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल डिपार्चर। नमस्कार, कोलकाता एयरपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है नहीं, ओ लेकिन कॉपीराइट आ गया तो पता नहीं। और ये कौन से पार्ट में आ गए? ये हम आ गए 4A 4B। ओके दीज आर ऑल इंटरनेशनल प्लेसेस। यार होपफुली कोई मेरा सामान उठाएगा नहीं, ट्रस्ट करना ज़रूरी है। और टिकट मेरे पास है, वॉलेट मेरे पास है, तो बिना सामान के पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन लैपटॉप वैपटॉप है यार, अगर पहुंच गया एडिटिंग किस पे करूंगा, ये वाला व्लॉग नहीं आएगा। और अगर ये व्लॉग आ गया मतलब मेरा सामान सेफ है। आई होप आप इनको जानते हो। ये सर ओ एक और खूबसूरत दृश्य यहाँ पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो ट्राइबल आर्ट था, दिस इज़ ये। वैसे आप लोग माइंड मत करना अगर मेरे सिनेमैटिक शॉट्स उतने भी ज़्यादा फाड़ू ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं नर्वस तो हूँ मैं यार। और मतलब लगता है ना अपना कि कोई कहीं कुछ बोल ना रहे, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट करके एक शॉट लिया प्यारे सा और फिर हम निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग मुझे देख रहे हैं, इट्स द इंटरनेशनल प्लेस। और यहाँ है फ्लूरीज और कैफे कॉफ़ी डे, सिस डे एंड फ्लूरीज। अब मेरे को बस बैलेंस बनाने का है लाइफ में
कि पब्लिक में व्लॉगिंग करने का कॉन्फिडेंस भी चाहिए और साथ में थोड़ी बेशर्मी भी कम हो, मतलब इतना ना हो जाए कि बेशर्म हो के कुछ भी मतलब फिर। बट वाओ यार, ये कोलकाता एयरपोर्ट इतना बड़ा था ये मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ये ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। मैंने सुना है कि एयरपोर्ट बड़े होते ही होते, बट आप एक्चुअली, एंड दिस इज़ नॉट इवन लाइक सिक्योरिटी चेक के उस साइड भी नहीं गए, पर वो ऑल्सो अपनी बैटरी भी चार्ज में लगी है तो मुझे लगता है वो देख लेनी चाहिए। और यहाँ पे मनी एक्सचेंज, बेसिकली अपनी अलग ही दुनिया है यार ये, मतलब हाँ लाइक कभी ना कभी खुद को चैलेंज देना चाहिए ना, एक दिन पहले आ जाओ, पूरा 24 घंटे ही बिता दो कोलकाता एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे को पता नहीं, इमिग्रेशन शब्द से ना बहुत वैसा एकदम वैसा डर सा लगता है थोड़ा सा, कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए मेरा अभी तक जो लोग बोलते हैं ना इंटरनेशनल ट्रैवल करना ये करना, मेरे को US से भी डर लगता है, मतलब कि यार जिस तरह से सुना है, पर पता नहीं जब जाऊँगा तब शायद रियलिटी मालूम पड़ेगी। पता है मैं यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मेरे को जहाँ पर भी ऐसी एस्केलेटर मिलती है जहाँ पर नीचे भी जा रही है ऊपर भी आ रही है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पर मैं नीचे पहले नीचे जाता हूँ फिर मैं उसी एस्केलेटर से ऊपर आता हूँ। तो अपन को हेलो सर, सर लेकिन आप टेंशन, अच्छा अच्छा ठीक है सर, सॉरी सर, मैं ओके। तो ये वाले ब्लॉग को ना अपन यहीं तक रखते हैं, आगे का कभी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो बताना क्यों नहीं अच्छा लगा, और क्या सब देखना चाहोगे वो भी कमेंट करके बता दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।